इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 नीट जेई और आरपीसी में आने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें मैं क्वेश्चन करने की आपको अप्रोच भी सिखाऊंगा, तो देखते रहें क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम नियोप्रीन का पॉलीमर बनाएंगे तो नियोप्रीन पॉलीमर का बहुलक का बेसिक यूनिट क्या होगा। तो यहां पर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, एक नियोप्रीन होती है और एक नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर का तो मोनोमर होता है 2-methyl-1,3-butadiene, जबकि नियोप्रीन का मोनोमर होता है 2-chloro-1,3-butadiene। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कि नियोप्रीन रबर के लिए हम 2-chloro-1,3-butadiene। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, कौन एनबीएस से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए एनबीएस का काम क्या। एनबीएस क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। एलाइलिक का मतलब है एल्कीन के बगल वाले, एल्कीन के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटाकर बीआर लगाना, ठीक है ना। तो हमने देखा इसका एक तो ये बेंजाइलिक है, फिर हमने देखा इसमें ये भी बेंजाइलिक है, फिर हमने देखा इसमें ये बेंजाइलिक है, और ये इसके साथ में एलाइलिक भी है। अब इसको देखा, इसको देखा, तो ये यहां से बेंजाइलिक है, इससे एलाइलिक है, और इससे ये टर्सरी भी है। मतलब जब हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो ये फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। अब हम डिस्कस करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, कौन KMnO4 को डिक्लेराइज करेगा, एल्कलाइन KMnO4 को। एल्कलाइन KMnO4 को हम बेयर्स रिजेंट कहते हैं, और बेयर्स रिजेंट के साथ में सारे एल्कीन और एल्काइंस टेस्ट देते हैं। तो हमने देखा इसमें से एल्कीन कौन होगी, ये बेंजीन है, ये एल्कीन हुई, क्योंकि एल्कीन में हाइड्रोजन हमेशा कार्बन से डबल होते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर सेकेंड हुआ, ठीक है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि टोलोइन जब क्लोरीन के साथ में लाइट से रिएक्ट करेगी, जब टोलोइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ लाइट में होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं टोलोइन इस वाले क्वेश्चन का यूज कर लेता हूं। अब हमें यह बात पता होनी चाहिए कि जब भी क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है तो sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर cl लगा देती है। या आप ऐसे याद रखते हैं, बेंजीन रिंग में रिएक्शन करने के लिए लुईस एसिड का होना जरूरी है। अगर लुईस एसिड होता है इसके साथ, मतलब AlCl3, तब तो या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता और या पैरा बनता, क्योंकि इसके पास लाइट है। तो ये CH3 के हाइड्रोजन को हटाएगी और हमें देगी बेंजाइल क्लोराइड। अब हम डिस्कस करेंगे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कह रहा है, कौन AgNO3 के साथ में प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो AgNO3 के साथ में प्रेसिपिटेट देता कौन है, सारे एल्डिहाइड देते हैं। 1-9 देता है, तो 1-9 देता है, तो देखो ये देगा, 1-butyne भी देगा, ठीक है ना, और 2-1-pentyne भी देगा। तो अब बच्चों कौन नहीं देगा, तो 1 के साथ नहीं देगा 2-butyne, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, विच ऑफ फॉलोइंग विल फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन विद Br2 और Fe Br3। अब देखो, अभी हमने यहां क्लोरीन के साथ रिएक्ट की थी तो लाइट थी, पर अब ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड है तो बेंजीन रिंग में रिएक्शन होगी, और बेंजीन रिंग की रिएक्शन को डोनर ग्रुप बढ़ाते हैं। तो हमने देखा ये तो एक्सेप्टर ग्रुप है, इसमें कोई ग्रुप है ही नहीं, थर्ड और फोर्थ में डोनर ग्रुप लगे हुए, पर OCH3 CH3 के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डोनर है, इसलिए हमारा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, फोर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्यों? डोनर ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज कर देते, ठीक है ना। अब इस लुइस एसिड का काम क्या होता है? इस लुइस एसिड का काम होता है बीआर पॉजिटिव बनाना या इलेक्ट्रोफाइल बनाना। या बेंजीन की रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या होता है? किसी भी लुइस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ही यही है कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो बेंजीन की सारी ही रिएक्शनों में लुइस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना या इलेक्ट्रॉन स्नेही का फॉर्मेशन करना, तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। हम चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन में कहता है रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल, सोडियम मेटल और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन का नाम क्या होगा? जैसे ही सोडियम और एल्काइल हैलाइड दिखे एक ही नाम आना चाहिए, बोट्स रिएक्शन, ठीक है ना। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है? एसिड का सॉल्ट डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है। क्लेमेंशन रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बन जाता है, जबकि फिंकलेस्टन हैलाइड एक्सचेंज मेथड में एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सोडियम के साथ में गैस देगा। सोडियम क्या करता है कि कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन को निकालता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब एक्टिव हाइड्रोजन किस किस में होता है? वन आयन में होता है, अल्कोहल में होता है और एसिड में होता है। तो हमने देखा एसिड कोई है नहीं, अल्कोहल कोई है नहीं, तो हमने देखा फोर्थ वाला एल्काइन से। हमेशा बच्चों नोट करके रखो, वन आइन्स में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वन आइन टॉलेंस रिजेंट फाइलिंग्स रिजेंट के साथ में सिल्वर और रेड प्रेसिपिटेट देता है।